नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। गुड मॉर्निंग जी में विस्तार से नजर डालेंगे प्रदेश की अहम खबरों पर, साथ ही फटाफट अंदाज में प्रदेश की 25 अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज वो कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिशन पंजाब पर है अरविंद केजरीवाल की। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज तीसरा दिन है और आज खडूर साहिब और अमृतसर का वो रुख करेंगे। केजरीवाल 5 दिवसीय पंजाब दौरे पर हैं, तो यहां आपको बता दें कि आज लगातार पूरे दिन भर हम आपको अपडेट करते रहेंगे उनके इस दौरे के बारे में। दूसरी अहम खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी वो ये है कि 84 मामले पर वेरका का एक्शन हुआ है। यहां आपको बता दें कि नवजोत कौर सिद्धू के निशाने पर एक बार फिर से पंजाब सरकार थी। यहां आपको बता दें कि नवजोत कौर सिद्धू ने पूछा था कि कहां गई दंगा पीड़ितों के लिए आई 440 करोड़ की राशि। वहीं अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमार वेरका एक्शन में है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और अमृतसर लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने नोटिस भेजा है। तीसरी अहम खबर जिस पर आज हमारी नजर रहेगी वो ये है कि हरियाणा में शुरू होगी कई ई सेवाएं। आज पंचकुला में कई ई सेवाओं को शुरू किया जाएगा, इनका लोकार्पण किया जाएगा। लोकार्पण केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। करीब 2 बजे किया जाएगा लोकार्पण। तो ये वो अहम खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। विस्तार से अब अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के 5 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके एजेंडे पर है किसान, क्योंकि सूबे में अच्छा खासा वोट बैंक किसानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बादल को लिखी एक चिट्ठी में किसानों का दर्द बयां किया है, जिस पर अकाली दल और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। ये चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को लिखी है। चिट्ठी में केजरीवाल ने अपनी मौजूदा फेरी के दौरान किसानों का आंखों देखा दर्द बयां किया है। साथ ही मुख्यमंत्री को अपील की है कि राज्य के किसान कर्ज के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए 1 साल के लिए बैंकों की ओर से किसानों से कर्ज वसूली पर रोक लगा देनी चाहिए, ताकि अगली सरकार आने पर इस मुतल्लक फैसला लिया जा सके। पंजाब सरकार को केजरीवाल के किसानों के लिए दिखाए जा रहे हमदर्द होने पर एतराज है। सुखबीर बादल की दलील है कि केजरीवाल राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासी हितों के लिए किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आई थिंक केजरीवाल स्टार्टेड फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ राहुल गांधी, जिवें ओ भी किथे गरीब दे घर च शाम नूं मिनरल वाटर पै के ओह जने आते सी, ओवें ही हुण ओहदा काम है कि अज मैं इस किसान दे किसान मरे खुदकुशी या डैथ होई ने 3-3 साल हो गए, उदों ते याद नहीं, अज याद आ गए। केजरीवाल के इस किसान प्रेम पर सवाल कांग्रेस ने भी खड़े किए हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली में राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह की मौत का मुद्दा उठाया है। साथ ही चिट्ठी लिखने पर भी सवाल खड़े किए हैं। एक सवाल बड़ा स्वाभाविक है कि क्या केजरीवाल साहब, जिनके खुद की सभा के अंदर गजेंद्र सिंह ने आत्महत्या की थी, उनके घर पे भी जाके आए हैं क्या? कि अगर राहुल गांधी जी पंजाब के किसानों की मांग को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाते हैं 716 करोड़ रुपए की बात को लेके, तो क्या केजरीवाल साहब और बादल साहब चिट्ठी लिखने वाले उनके साथ जाएंगे पंजाब के किसानों के लिए? त्रासदी है कि पूरे देश का पेट भरने वाला किसान शून्य पर है और खुदकुशियों के राह पर है, लेकिन सियासी पार्टियां इसमें भी अपने सियासी मुफाद ढूंढ रही हैं। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। अरविंद केजरीवाल के दौरे के दौरान जहां उनके एजेंडे में किसान हैं, तो वहीं वो दलित परिवारों का भी चुन चुनकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। कहीं वो नौकरियों की सौगात दे रहे हैं, तो कहीं इलाज के लिए खर्च उठाने का भी भरोसा दिया जा रहा है। अबोहर में भीमटांग के पीड़ित परिवार के साथ दुख जाहिर कर रहे अरविंद केजरीवाल पंजाब में एक खास मिशन पर है। सियासत की नुहार बदलने का नारा देने वाले केजरीवाल अब सियासतदान बन चुके हैं और पंजाब के इस 5 दिन के दौरे का कार्यक्रम भी खास सियासी रणनीति तहत जारी है। किसानों के बाद अगला पड़ाव भीमटांग का पीड़ित परिवार है। दुख जाहिर करने पहुंचे केजरीवाल ने परिवार के एक सदस्य को दिल्ली सरकार में नौकरी के साथ ही हादसे में घायल गुरजन सिंह का दिल्ली में सरकारी खर्च पर इलाज करने का ऐलान किया।
कि एक सदस्य को दिल्ली सरकार नौकरी देगी, ये मैं आज इनको कह के जा रहा हूँ। जैसे मैं दिल्ली पहुँचता हूँ ये बायोडाटा भिजवा दें, हम दिल्ली सरकार के अंदर भीम के परिवार के एक सदस्य को जरूर नौकरी देंगे। वही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर एतराज जाहिर किया है कि दिल्ली का पैसा पंजाब में सियासी हित के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अकाली दल की दलील है कि हरियाणा छोड़कर केजरीवाल को पंजाब का ही दर्द क्यों सता रहा है। Isn't that corruption? दिल्ली के लोगों के पैसे जो दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए हैं, ये पॉलिटिकली यूज कर रहा है पंजाब में। Isn't that fraud? ये करप्शन नहीं है तो क्या चीज है? इधर रहने वाले इतना कुछ हरियाणा हो गया, उत्थे तक गए नहीं। इतना कुछ हरियाणा छोया उत्थे तक गए नहीं। इतने हूँ याद आ गया, किसान याद आ गए, गरीब याद आ गए एक दिन वास्ते। केजरीवाल की ओर से कसे गए व्यंग कि पंजाब में अकाली सरकार तो अब जाने वाली है, पर अकाली दल ने भी पलटवार किया है। अकाली ये ना सोचे, अकाली दल वाले बादल परिवार ये ना सोचे कि अगर कोई गरीब था, कोई दलित था तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब उनके दिन लद गए हैं। जिथे दिल्ली च इन्होंने लोगों ने कुछ किया सी ते कीता की है, उन्होंने उत्थे लोगों को कहा सी कि आ साडे गरीब आम आदमी जनता की सरकार होगी, खजाने का ध्यान रखा जाऊगा। की रखना ध्यान, 532 करोड़ अपनी खबरां देन ते ला दिता मीडिया नूं। राज्य में अच्छा खासा दलित वोट बैंक है, इससे केजरीवाल भली भांति वाकिफ है। सियासी गणित के तहत वो कभी किसानों के दर पर पहुंचते हैं तो कभी दलित परिवार का दर्द बटा रहे हैं। रोहित वेमुला के परिवार की मदद से लेकर पंजाब के भीमटांग तक का ये सफर सोशल इंजीनियरिंग की कुशलता का प्रतीक है। अबोहर से पुनीत परिंजा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। अमृतसर में हाफिज सईद के पोस्टर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर सियासी हमले कर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही पार्टियां खुद को देशभक्त साबित करने के लिए सहारा उस शख्स का ले रही हैं जो भारत में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। ये तस्वीरें अमृतसर की हैं। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान है। हाफिज सईद के ये पोस्टर आपने अक्सर देखे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। हाफिज सईद के हक में नारे भी सुने होंगे, लेकिन अब भारत में भी खुलेआम हाफिज सईद के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। ये अलग बात है कि ये पोस्टर भारत की दो कौमी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीडीपी मुखी महबूबा मुफ्ती और अफजल गुरु का पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर के जरिए कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे और अफजल गुरु की फांसी को गलत दमन वाली पीडीपी के साथ रिश्तों को लेकर सवाल पूछ रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी जवाबी हमला करते हुए हाफिज सईद के साथ राहुल गांधी के पोस्टर छापकर कांग्रेस पर हमला बोला है। क्योंकि हाफिज सईद की भाषा उस गद्दार की भाषा, आतंकवादी की भाषा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, इसलिए उन दोनों के बोर्ड हमने जगह जगह पे लगाए हैं कि हाफिज सईद का बोल, राहुल गांधी तू हिंदुस्तान में मत बोल। उन्होंने दसना चाहते हैं कि पीडीपी के नाल ताड़ा समझौता जेड़े जम्मू कश्मीर दे विच अलग आजादी मांगते ने, अलग देश बनाना चाहते ने, उन्हां दे खिलाफ असीं दसना चाहते कि देशद्रोही असीं नहीं, देशद्रोही तुसीं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है और सवाल पूछ रही है उन सियासतदानों से जिनमें होड़ लगी हुई है खुद को देशभक्त और दूसरों को देशद्रोही साबित करने की। हैरानी वाली बात यह है कि एक दूसरे पर सियासी हमला करने के लिए अब हाफिज सईद का सहारा लिया जा रहा है, जिसके पोस्टर की तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आने के बाद कई सवाल किए जाते थे, आज वही हाफिज सईद की तस्वीरें खुलेआम भारत में लगाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति साबित करने के। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान ने पठानकोट आतंकी हमले की जांच को लेकर एक और कदम आगे बढ़ाया है। पाक ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई है। अगर भारत सरकार से इजाजत मिलती है तो अगले महीने ये टीम पठानकोट आ सकती है। पाकिस्तान ने पठानकोट आतंकी हमले में एफआईआर दर्ज करने के एक हफ्ते बाद अब 5 सदस्यीय जेआईटी का गठन कर दिया है जो एयरबेस पर हुए हमले की जांच करेगी। अगर भारत सरकार की ओर से इजाजत मिलती है तो जेआईटी के सदस्य और सबूत जुटाने के लिए अगले महीने भारत भी आ सकते हैं। 18 फरवरी को पाकिस्तान में पठानकोट आतंकी हमले के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।
हालांकि उसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नाम शामिल नहीं था। इससे पहले शुरुआती जांच के लिए भी एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन जेआईटी यानी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को मामला सौंपने के बाद एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रद्द कर दी गई। भारत अपनी ओर से पाकिस्तान को कई सबूत सौंप चुका है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उस पर भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब सरकार में सीबीएस नवजोत कौर सिद्धू ने फिर से अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि यूपीए सरकार में सिख दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि पंजाब तो आई लेकिन पीड़ितों तक नहीं पहुंची। मिसेस सिद्धू के वार पर इस बार अकाली दल ने भी तल्खी से जवाब दिया है तो बीजेपी ने इन बयानों से किनारा कर लिया है। यूपीए सरकार के दौरान सिख दंगा पीड़ितों के लिए 440 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर पंजाब सरकार के पास आए थे लेकिन वो पीड़ितों को नहीं मिले। धांधली का ये आरोप पंजाब सरकार की सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू ने लगाया है। 22,000 फैमिली आई सी इत्थे पंजाब च, उन्हां नूं 440 करोड़ मिलिया सी 2 लाख पर फैमिली। ओदे विच इन्ना कपला होया, ओदे विच विजिलेंस कमेटी बिठाई गई। हाई कोर्ट दे ऑर्डर होए कि डीसी एसडीएम ते सुरजीत डुगरी दी जिहड़ी कमेटी सी उन्हां ने पैसे खादे, फेक कार्ड्स बनाए। फेक कार्ड्स बना के उन्हां दे अगेंस्ट 2 लाख दी कॉम्पनसेशन पर कार्ड, हजारां कार्डां पिछे लिती। ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ 30 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 19 ਕਾਰਡ ਫੇਕ ਹੈ। अकाली दल ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है और बीजेपी ने इसे सिद्धू का निजी बयान करार दिया है। श्रोमणी अकाली दल ने सिखां वास्ते, सिखी वास्ते, सिखी जज्बातां वास्ते, सिखी कदरां कीमतां वास्ते बड़ियां बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां ने, बड़े बड़े संघर्ष कीते ने, बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने। इस बीबी कोलों सिखण दी लोड़ जां समझण दी लोड़ जां इहदी गल सुणन दी लोड़ नहीं। ये उनके व्यक्तिगत राय है, पार्टी से सहमत नहीं। ये उनका व्यक्तिगत मामला है। बीजेपी इससे पहले भी अपनी नेता नवजोत कौर सिद्धू के कई बयानों से इसी तरह किनारा कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोनीपत के मुरथल में कथित गैंगरेप मामले में जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। साथ ही हरियाणा पुलिस ने मामले में लोगों से भी मदद की मांग की है। हरियाणा के डीजीपी यशपाल सिंघल ने कहा कि अगर इस मामले से जुड़ी किसी के पास कोई भी जानकारी है तो वो साझा करे। जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सोनीपत के मुरथल कथित गैंगरेप मामले में जांच के लिए राजश्री कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी वीडियो क्लिप्स और जानकारी इकट्ठा करेगी। कमेटी में 3 महिला अधिकारी, डीआईजी राजश्री, डीएसपी भारती डबास और डीएसपी सुरेंद्र कौर हैं। ये कमेटी 24 घंटे काम करेगी। हरियाणा पुलिस के डीजीपी यशपाल सिंघल ने 3 महिला अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए हैं ताकि कोई भी कभी भी इन्हें जानकारी दे सके। डीआईजी रैंक के अधिकारी डॉक्टर राजश्री सिंह, श्रीमती भारती डबास डीएसपी, श्रीमती सुरेंद्र कौर डीएसपी, ये 3 महिला पुलिस अधिकारी अपने अपने मोबाइल नंबर पे 3 बजे से आज से उपलब्ध रहेंगी। मोबाइल नंबर डॉक्टर राजश्री सिंह के हैं 9729995000। राजश्री सिंह का नंबर है 9729995000। भारती डबास का नंबर है 8053882302। सुरेंद्र कौर का नंबर है 9729990760। हरियाणा पुलिस ने मुरथल कथित गैंगरेप केस में लोगों से मदद मांगी है। डीजीपी सिंघल ने लोगों से कथित गैंगरेप केस से जुड़ी कोई भी जानकारी देने की अपील की है। जानकारी देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। भी आदमी जो ये सूचना देगा उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा और विक्टिम की आइडेंटिटी तो हम कानून के हिसाब से भी गुप्त रखते हैं कि ये फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल कराना चाहते हैं। डीजीपी ने कहा है कि जो कपड़े मुरथल से बरामद हुए हैं पुलिस ने उन्हें कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जो क्लोथ्स वहां पे कुछ मिले हैं पुलिस अधीक्षक सोनीपत ने उनको कलेक्ट करा लिया है और उनसे ये जांच करने की कोशिश की जा रही है क्या
उनके पहनने वालों से कोई इस प्रकार का अपराध हुआ है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक उसे अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे पता चल सके कि मुरथल में गैंगरेप हुआ था। सिंघल ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की संख्या भी 30 बताई है। साथ ही आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में अभी तक 713 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 133 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी कहना है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संजीदा है। मुरथल मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, हालांकि विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हरियाणा सरकार ने मुरथल में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कथित गैंगरेप की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मुरथल मामले में विशेष जांच के आदेश दिए गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। विशेष जांच होगी और उसमें यदि कोई कंप्लेंट सामने आते हैं तो महिलाओं की पूरी सुरक्षा, महिलाओं का पूरा सम्मान इसका ध्यान किया जाएगा। जो कल्पिट से उसमें कोई मिलते हैं सरकार की सुविधा देने के लिए तैयार है, टेलीफोन नंबर उनको देंगे, सब कुछ देंगे। किसी प्रकार से विक्टिम आते हैं तो उनकी सुरक्षा करना हमारा काम है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने भी दावा किया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, भारती वर्मा हमारी डीएसपी है, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, इस अपराध की जो भी सजा है वो उसको मिलेगी। मुरथल मामले में जांच के लिए भले ही कमेटी बिठा दी गई हो लेकिन इस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्ष के नेता अभय चौटाला मुरथल कथित गैंगरेप मामले के लिए सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सरकार का बड़ा फेलियर है, जब मुरथल मेन हाईवे है आपका और उस हाईवे पे अगर इस किस्म की घटनाएं होती है तो फिर जिम्मेवार सरकार होगी। जिन लोगों ने इस किस्म का घिनौना काम किया है हम तो कहते हैं कि उनको फांसी पे लटका दो। अब इस मामले पर सियासत गरमाने लगी है। गौरतलब है कि हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में महिलाओं के साथ गैंगरेप की खबरें आई थी। हालांकि अभी तक इस मामले में ना तो किसी ने शिकायत दर्ज करवाई है और ना ही इस घटना की कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो पाई है। हालांकि जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। चंबा जिला विशेष कोर्ट ने कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और डलहौजी से विधायक आशा कुमारी और दो अन्य को जमीन हड़पने के मामले में दोषी करार देते हुए एक एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य चार को तीन तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद आशा कुमारी को 20,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई। साल 2001 के जमीन हड़पने के एक मामले में चंबा की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डलहौजी से कांग्रेस विधायक आशा कुमारी समेत तीन दोषियों को एक साल की सजा और चार अन्य आरोपियों को तीन तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद हालांकि आशा कुमारी को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत भी मिल गई है। अक्यूज नंबर 7 श्रीमती आशा कुमारी इज सेंटेंस एज अंडर सेक्शन 420 रीड विद सेक्शन 120 BIPC सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर एंड ए फाइन ऑफ ₹5,000 ईच एंड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन टू अंडरगो इंप्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ। आशा कुमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा कांग्रेस की सह प्रभारी भी हैं। मामला साल 2001 का है जब आशा कुमारी ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने स्वर्गीय पति ब्रिजेंद्र सिंह और राजस्व विभाग के कई कर्मियों की सांठगांठ से सरकारी जमीन को अपने नाम करवा लिया था। मामले में कुल 13 अभियुक्त थे जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है जबकि बाकी 7 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। इसमें टोटल 13 अभियुक्त थे जिसमें एक आशा कुमारी और इनके पति बिजेंद्र सिंह सुपुत्र लक्ष्मण सिंह भी थे। इसमें जो 4 अभियुक्त हैं अभी जो सजा सुनाई है अभी आज उसमें 13 में से कुछ लोग फौत हो चुके हैं और टोटल 7 लोग बचे हैं। आशा कुमारी के मामले पर राजनीति भी गरमाने लगी है। शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज ने जहां इस फैसले का स्वागत किया है तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बिना जानकारी के इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मैंने इसके बारे में सुना है, फैक्ट सौदे केस क्या है एंड मेरे साथ ये मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकूंगा। मैंने ये भी सुना है कि जो उनका सेंटेंस है वो सस्पेंड कर दिया गया है 1 महीने के लिए, ताकि वो इस दौरान में
अपने अपील फाइल कर सके। देखिए जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, अगर कुछ इन्होंने किया है और सरकार में रहते हुए तो उसके जो है वो जुडिशरी जो भी कुछ करती है तो उसमें तो कमेंट जो है कोई बहुत महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि सारा मटेरियल जो है वो कोर्ट के सामने आया होगा, कोर्ट ने सज़ा दी है तो कानून के मुताबिक जो है वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अगर पद छोड़ना पड़ता है तो पद छोड़ना पड़ेगा। इस मामले की जांच सतर्कता विभाग ने की थी, इसके बाद मामला चंबा की विशेष अदालत में दिया गया था। कांग्रेस में सम्मानित पदों पर आसीन आशा कुमारी जहां सवालों के घेरे में है, वहीं कांग्रेस को भी एक बड़ा झटका लगा है। चंबा से शिव शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको ले चलते हैं नवांशहर, जहां शुक्रवार को एक जनाब ने अपना शौक पूरा किया तो वो इलाके के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। मामला सिरसा के रहने वाले जसकरण सिंह से जुड़ा है, जो अपने शौक को पूरा करने के लिए अपनी दुल्हन को उड़न खटोले में विदा करके ले गए। शुक्रवार को नवांशहर में एक शादी का समारोह था, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बात ही ऐसी थी, इस शादी में दुल्हा हेलीकॉप्टर से जो पहुंचने वाला था। कहा जाता है कि शोक का कोई मोल नहीं होता और शौकीन लोग अपने शोक को पूरा करने के लिए कई कारनामे कर जाते हैं। ऐसा ही अपना एक शोक पूरा करने पहुंचे सिरसा के रहने वाले एक NRI जसकरण सिंह, जो अपनी दुल्हन की विदाई के लिए उड़न खटोले में सवार होकर आए थे। NRI दूल्हे का कहना है कि उन्होंने ये सपना गरीबी में देखा था और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। मैं पहला आस्ट्रेलिया गया उदो न्यूज़ पेपर के मैं देखा सीगा, तो उदो मेरे मन में ये इच्छा आई भी शायद तक जो मैं एक बार सैट हो गया उ सारा मेरा काम ठीक हो गया तो मैं भी लेके जाऊँगा। जसकरण सिंह मानते हैं कि इंसान जिंदगी में एक टूरिस्ट वीजा लेकर आता है तो उसे जिंदगी को पूरा एंजॉय करना चाहिए। भी आप इतने एक टूरिस्ट हैं, ठीक है, इस दुनिया से परमानेंट नहीं, जो आप जमा करके रखा तो वो भी कोई फायदा नहीं है, है ना। जो आप पैसा कमाने तो वो यानी कि अपना एंजॉय भी करना जरूरी है। शादी के बाद विदा हो रही जसरीन कौर ने कहा कि वो ऐसा जीवन साथी और परिवार पाकर बेहद खुश है। मैं बहुत खुश हाँ, तो मैंने बढ़िया जीवन साथी मिले, बहुत किस्मत वाली है जरा मैंने इतना चंगा परिवार मिला। वहीं दूल्हे जसकरण सिंह के परिजन भी बेहद खुश नजर आए। बहुत ही बढ़िया इस तरह का फील हो रहा है, किस्मत वाली गल है जी, एलिगेंट ते बरात लेके आए हैं, बहुत ही खुशी वाली गल है जी। कैप्टन मनीष ने बताया कि सिरसा से नवांशहर तक की हेलीकॉप्टर की बुकिंग में 6 लाख रुपए लगे हैं। हेलीकॉप्टर हमारी कंपनी से चार्टर किया गया है और शादी के लिए, एंड ये बारात सिरसा से आई है यहाँ पे नवांशहर, कॉस्ट का तकरीबन 6 लाख रुपए है। शादी के बाद विदा हो रही दुल्हन और उसे लेकर जा रहा दूल्हा बेहद खुश नजर आ रहे थे। खुशी का माहौल साफ झलक रहा था और हर कोई इस नए जोड़े की दुआ मांग रहा था, और इसी खुशनुमा माहौल में उड़न खटोला नए नवेले जोड़े को लेकर उड़ चला। विमल कुमार, जी मीडिया, नवांशहर।